किया। सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, उनके विचारधारा पे हम सदा चलते हैं, चलते आ रहे हैं, हमारे देश भी उन्हीं की विचारधारा पर चलते हैं। और हम अभी राजद पटना महानगर के सचिव हैं, मेरी पार्टी भी गांधी जी की विचारधारा पर चलती है। हम लोग हिंसा को नहीं अपनाते हैं, अहिंसा की ओर भागते हैं। मेरी पार्टी भी अहिंसा को चलती है, हिंसा को हम लोग बढ़ावा नहीं देते। गांधी जी की विचारधारा से पूरा सहमत है, हम लोग गांधी जी की विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, उनको बार बार हम नमन करते हैं। हमारे राष्ट्रपिता हैं वो, हमारी पार्टी भी उनको आज नमन करती है उनके पुण्यतिथि पे, जन्मतिथि पे। और बिहार में आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है सर? इलेक्शन का वक्त एकदम समझ सर पे है, सारी पार्टी लोग जोर शोर से लगी हुई है, आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं और कितने सीट पर आप लोग लड़ने के लिए इरादा कर रहे हैं? देखिए, सीट पे कितने लड़ा जाएंगे तो आला कमानी बताएंगे, उतना हम लोग को अभी नहीं है पता, लेकिन सामान्य सीट सबको मिल रही है। जितनी गठबंधन में है सबको सामान्य सीट मिल रही है इस बार, और सबको बहुत अच्छे ढंग से इस बार सबको बंटवारा होगा टिकट का। अभी तो बंटवारा चल ही रही है, आला कमान लोग जो है बैठे हैं, वहां चल रही है विचार, और जो होगा तैयारी की बात है तो तैयारी की बात जोर जोर शोर पे है राजद की सरकार लाने की। कांग्रेस आपका गठबंधन में है कि बाहर हो जाएगी सर कुछ? देखिए, अभी मैं जहां तक बोलूंगा तो गठबंधन में है कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो विरोधी पार्टी लोग है वो लोग मार्केट में रूमर फैला रहे कि साथ में नहीं है कांग्रेस से वैसे, लेकिन साथ में पूरी चांस साथ में है सर, कांग्रेस है हर बार आते, इस बार भी साथ में है, अच्छे सीट ला रहे हैं। महानगर में पूरा तैयारी का आप लोग कर रहे हैं? बहुत अच्छा तैयारी है, पूरे चांस है तेजस्वी जी की सरकार बनने की बिहार में। पिता के नाम से जाने जाते हैं, उनकी जन्मतिथि हर एक इंसान मनाते हैं, और एक अहम भूमिका है इंडिया के अंदर उनका जन्मदिन के ऊपर, और उनका जो विचारधारा है गांधी जी की जो विचारधारा पे पूरी कांग्रेस चलती आई है, और आज आप 15 साल 20 साल से देख रहे हैं, 20 साल पहले गांधी जी की विचारधारा पूरे इंडिया में जोर शोर से लागू था और हर एक पब्लिक मानते थे, और उनकी विचारधारा आज हमारे महागठबंधन में भी चलती आ रही है और चलेगी। गांधी जी को कोई पूरे इंडिया के लोग नहीं भूल सकते हैं, न भूल पाएंगे कभी। और इलेक्शन की क्या तैयारी चल रही सर आप लोग के? इलेक्शन की क्या तैयारी चल रही? इलेक्शन की तैयारी पूरी हम लोगों की अंदरूनी जो पूरी मजबूत तरीका से चल रही है, और पटना महानगर भी पूरे जोर शोर से काम कर रही है इस पे। और इस बार बिहार चुनाव एक अहम चुनाव होने जा रही है, पूरे बिहार प्रदेश की जनता भी जान चुकी है कि हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए, बिहार परिवर्तन चाहिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए आरजेडी की सरकार चाहिए। पूर्ण रूप से बिहारवासी हमारे समर्थन में है, और बिहार को मेन मुद्दा है बिहार की रोजगारी, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, और मेन अगर रोजगारी मिलता है बिहार में, बेरोजगार को रोजगार मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार में परिवर्तन आएगा। आपकी पार्टी कैसे दूर करेगी इसको बेरोजगार, क्या बोलूं मैं, मिट्टी तैयार किए हैं आप? देखिए, आपके सामने कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी जो बोले कि पहला कैबिनेट मंत्री हमारी बैठक करेगी, तो पहले पेन से पहले हस्ताक्षर के ऊपर बिहार की बेरोजगारी पे 10 लाख युवा को रोजगार देने की गारंटी दी है उन्होंने, और इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ उनके साथ, और बिहार का आवाम भी सहमत है, बिहार का युवा भी सहमत है, और इस बार आरजेडी की सरकार बन के रहेगी, इसको कोई नहीं झुकला सकता। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पटना महानगर, कैसे महानगर युवा अध्यक्ष नहीं हूँ, महानगर महानगर उपाध्यक्ष हूँ राजद के, और जिम्मेवारी मैं बहुत खूब तरीके से निभा रहा हूँ, पूर्ण रूप से निभा रहा हूँ,